सो ही गाइज एंड वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका व्हाट्सएप अगर गलती से आपसे डिलीट हो गया है तो आप अपने व्हाट्सएप को वापस कैसे ला सकते हो, वापस जो आपकी चैट्स हैं जो भी सारी चीज़ें हैं आप उसको वापस किस तरीके से ला सकते हो, अपने व्हाट्सएप को अपने चैट्स को सारी चीज़ें आप किस तरीके से वापस पहले के जैसा आप कैसे कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और गाइज बहुत ही सिंपल सा तरीका बताएंगे, आप इस वीडियो को आगे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि गाइज अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो हो सकता है आपको बात जो है समझ में ना आए। और चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज आप चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, अगर आपसे गलती से व्हाट्सएप डिलीट हो गया है और आप सब कुछ अपना वापस पहले के जैसा ही अपने व्हाट्सएप को अगर करना चाहते हो यानी कि सारे चैट्स वगैरह सारे वापस आप लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल तरीके से आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर चलना है। प्ले स्टोर के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार दिखेगा, यहाँ पर आपको सर्च बार के अंदर चलना है और यहाँ पर आपको लिखना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लिखोगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप देखने को मिलेगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आप इंस्टॉल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, जो आपका व्हाट्सएप डिलीट हो गया था वो व्हाट्सएप आपका वापस डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही हमारा व्हाट्सएप डाउनलोड हो जाएगा हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो व्हाट्सएप है वो पूरी तरीके से जो है डाउनलोड हो चुका है। हमें यहाँ पर ओपन का ऑप्शन जब दिख जाएगा तो आप समझ जाना कि हमारा व्हाट्सएप डाउनलोड हो चुका है। तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर व्हाट्सएप वापस आ चुका है। तो हम व्हाट्सएप के ऊपर जो है क्लिक करते हैं। गाइस हमारा व्हाट्सएप तो जो है आ चुका है और गाइस जो हमारा व्हाट्सएप था जो डिलीट होने से पहले था वो अभी वैसा नहीं हुआ है। तो हम पहले की ही तरह अपने व्हाट्सएप को लाना चाहते हैं। हमें अपने व्हाट्सएप को पहले की ही तरह करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। गाइस आप इस वीडियो को आगे बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा क्योंकि अगर आपसे यहाँ पर छोटी सी भी अगर गलती होती है तो जो आपके सारे के सारे चैट्स हैं वो सारे चैट्स आपसे जो है डिलीट हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी इस वीडियो को आगे स्किप नहीं करिएगा। तो जब आप व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लोगे और आपको यहाँ पर कुछ ऐसा अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका लैंग्वेज होगा। तो हमारा जो लैंग्वेज है गाइस हम अपना इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए हैं। आप कुछ भी हिंदी मराठी गुजराती कुछ भी आप अपने हिसाब से देख लेना। हम इंग्लिश वाले लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे साइड में हमें जो एरो दिख रहा है हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर जब हम इतना कर लेंगे तो हमें यहाँ पर नीचे साइड में एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, हम उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें आएंगी, हम इनको अलाउ कर लेते हैं। अलाउ करने के बाद हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है, जो भी गाइस आपका मोबाइल नंबर है जिस मोबाइल नंबर से आपने व्हाट्सएप को चला रहे थे वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से जो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना। जैसे ही आप यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे जो भी चीज़ आपके सामने आएंगी आपको उनको अलाउ कर देनी है। जब आप इनको इस तरीके से अलाउ जब आप कर दोगे तो जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया था उस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी जैसे ही आपके मोबाइल में आए वो ओटीपी आपको जो है गाइस कॉपी करके पेस्ट कर देना है। वो ओटीपी आप फिल कर लेना, फिल करने के बाद वहाँ का प्रोसेस आप जो है गाइस कर लेना। सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो प्रोसेस मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी और वो ओटीपी आपको फिल करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पर आप बिल्कुल भी गलती नहीं करना, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि क्या आप अपने पुराने जो चैट्स हैं आप उनको वापस पाना चाहते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कैंसिल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो जो आपके चैट्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल बंद करना, आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। अगर आपको अपने पुराने चैट्स अगर वापस अगर लाने होंगे, अगर आप अपने पुराने चैट्स अगर वापस लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी आप उनको अलाउ करते जाना। जब आप उनको अलाउ कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग फॉर बैकअप्स और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे स्किप का और गिव परमिशन का। यहाँ पर गिव परमिशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप गिव परमिशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो आप क्या करना, आप अपने जीमेल का आप अपने ईमेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। गाइस आपको कुछ ऐसा अगर देखने को मिले तो आप नीचे साइड में आना और अलाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पर गाइस आप अपना नाम फिल कर लेना कुछ इस तरीके से, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। जब आप इतना कर लोगे तो इतना करने के बाद जो आपके चैट्स हैं वो पूरी तरीके से गाइस कुछ इस तरीके से रिकवर हो जाएंगे और जो आपका पुराना डिलीट हुआ व्हाट्सएप है वो कुछ इसी तरीके से वापस आ जाएगा। गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को अगर हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको इसी तरीके से हर रोज देखने को मिलती रहे।